दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फेस्टिवल स्टूडियो एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें। और दोस्तों इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप जो है फेस्टिवल के लिए HD क्वालिटी में आप अपने खुद से जो है फेस्टिवल ऑफ विशेज के लिए जो है अपना जो है बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हो, पोस्टर कैसे बना सकते हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि फेस्टिवल स्टूडियो एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करें तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको प्ले स्टोर में जाना और गाइस फेस्टिवल स्टूडियो पोस्टर मेकर इस वाली ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन की 1 लाख प्लस डाउनलोडिंग कंप्लीट है, 4 स्टार रिव्यूज रेट है। और गाइस इस एप्लीकेशन से गाइस आप जो है किसी भी फेस्टिवल के लिए, जो भी फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल रिलेटेड आप जो है फेस्टिवल पर आप जो है पोस्टर्स यहाँ पर आप बना सकते हो, बैनर पोस्टर्स HD क्वालिटी में यहाँ पर आप जो है क्रिएट कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको यूज़ करना, सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करना और ओपन करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप मोबाइल नंबर डालोगे इसके बाद सबसे पहले आपको कंपनी नेम डालना है। यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हो, यहाँ पर कंपनी नेम जो भी डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। जैसे आप जो है किसी भी कंपनी के लिए अगर आप जो है बना रहे हो, बिजनेस डिटेल यहाँ पर आपको अपनी ऐड करनी है, आपको अपने बिजनेस का नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको जो भी बिजनेस नेम डालना है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करा, फिर भी गाइज यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पर आप भी जो है अगर डिटेल फिल करना चाहते हो तो यहाँ पर आप डिटेल फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से आप बैक आ सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर बैक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगर आपको डिटेल फिल करनी है तो यहाँ पर आप डिटेल फिल कर सकते हो, कंपनी नेम डाल सकते हो, यहाँ पर अपना नेम डाल सकते हो, उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और कोई भी अगर आपके पास वेबसाइट है तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। अदरवाइज़ गाइज यहाँ से दोस्तों यहाँ पर आप जो है बैक कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं फटाफट अपनी डिटेल फिल कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर एंटर योर एड्रेस में गाइज आपको जो अपना एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालने के बाद नीचे की ओर गाइस आपको फ़ोन नंबर में आपको अपना नंबर डालना है, इसके बाद ईमेल आईडी और वेबसाइट ऑप्शन में आपको अपनी वेबसाइट डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर सेल्स वगैरह जो भी रहेंगे वो यहाँ पर आपको बैनर शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है और यहाँ पर इस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग फेस्टिवल के लिए यहाँ पर आप जो है पोस्टर्स यहाँ पर बैनर बना सकते हो। सबसे ऊपर GoPro का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप GoPro पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन ले सकते हो, जहाँ पर गाइज आप जो है 1 ईयर के लिए 899 में आप जो है 1 साल के लिए ले सकते हो और लाइफ टाइम के लिए आपको 1699 रुपये में यहाँ पर आप जो है लाइफ टाइम के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर गाइज प्रो वर्जन में आपको सभी जो है टेम्पलेट आपके लिए विदाउट लोगो यहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे की और आपको अलग अलग फेस्टिवल, जैसे अभी जो है दिवाली चल रहा है तो ऐसे में दिवाली के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो 24 अक्टूबर यहाँ पर दिवाली के लिए आप जैसे देख सकते हो बहुत सारे आपको जो है अलग अलग आपको जो है पोस्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग कोट्स मिल जाते हैं, अलग अलग वीडियो क्लिप्स मिल जाती है जिन्हें यहाँ पर अपनी फोटो के साथ भी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। जैसे इस वाली मैं टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मैंने कंपनी नेम जो मैंने डाला था वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसी तरह गाइज यहाँ पर जो अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो लोगो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना लोगो डालना है। अगर आपके पास कोई लोगो है, अगर आपकी बिजनेस का कोई लोगो है तो वो यहाँ पर आप बिजनेस लोगो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ब्रांड लोगो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसके बाद आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी और गैलरी में से गाइज आप जो है फोटो चूज कर सकते हो। तो फिलहाल गाइज फटाफट मैं जो है फोटो वगैरह यहाँ पर ऐड करके आपको यहाँ पर दिखा लेता हूँ। तो यहाँ से गाइज आप जिस भी फोटो को आपको ऐड करना, जैसे मैं इस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर आपका कंपनी का जो भी लोगो है वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। रिमूव बैकग्राउंड पर जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी फ़ोटो का जो है कंप्लीट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद गाइज आपका जो है वीडियो क्लिप एमी फेस्टिवल वीडियो क्लिप में आपका जो है इस तरीके से लोगो यहाँ पर आप ऐड कर पाओगे। अगर आप फोटो ऐड करना चाहते हो तो फोटो सेट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप इस क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर फोटोज़ जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे आप वीडियो क्लियर रहेगा तो यहाँ पर आपका आपने जो भी फोटोज़ लोगो ऐड करा वो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है वीडियो क्लिप में इस तरीके से आपको शो हो जाएगा।
सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की और यहाँ पर इमेजेस शो कर रहा है। अगर आपने कोई लोगो डाला होगा तो वो लोगो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फोटो ऐड करा है तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। इसके बाद अगर आप इसे कहीं एडजस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको कहीं पर भी यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो, इसकी साइज़ को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर इसे आप सेटअप कर सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर के और बहुत सारे जैसे डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो, जैसे नेम चेंज कर सकते हो, आपका कंपनी नेम है वो आप चेंज कर सकते हो, जो भी करना है यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड कर सकते हो, शेयर पर क्लिक करने के बाद शेयर कर सकते हो, और अगर आप जो है टेम्पलेट चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करते आपका जो डायरेक्टली टेम्पलेट यहाँ पर चेंज हो जाए। आपको बहुत सारी जो है क्लिप्स मिल जाती है जहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स ऐड करी होगी वो डिटेल्स यहाँ पर शो करें। अगर आप डिटेल को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर डिटेल से यहाँ पर डिटेल को रिमूव कर सकते हो, आप जो भी रखना चाहते हो यहाँ से आप रख सकते हो। अपनी फ़ोटोज़ के साथ आप फेस्टिवल पोस्टर्स बना सकते हो, बहुत सारे आपको पोस्टर्स मिल जाते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखते हो फ्रेम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फ्रेम डाल सकते हो, आपको बहुत सारी फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद कलर पर क्लिक करने के बाद कलर चेंज कर सकते हो, माय फ्रेम पर क्लिक करके फ्रेम डाल सकते हो, लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद आप जो है लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इसे डाउनलोड करने के लिए जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इस तरीके से आप जो है इस पोस्टर्स को आप अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर पाओगे। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रही है तो आपको वेट करना, कंप्लीट डाउनलोड होने देना है। तो यहाँ पर आप देख तुम्हारा जो है यहाँ पर जो है वीडियो क्लिप यहाँ पर फेस्टिवल वीडियो क्लिप यहाँ पर जो है डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद अगर आप जो है लोगो रिमूव करना चाहते हो तो गाइज लोगो के लिए गाइज आपको जो है इस एप्लीकेशन का प्रीमियम वर्जन लेना होगा, तभी यहाँ पर आप इसका लोगो रिमूव कर सकते हो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे क्लिप्स मिल जाते हैं। अगर आप जो है कोई पोस्टर्स बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पोस्टर्स भी बहुत सारे, जैसे आप देखते हो अलग अलग आपको जो है फेस्टिवल के लिए अलग अलग पोस्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर आप जो है अपनी फ़ोटोज़ ऐड करके, अपना नेम ऐड करके आप पोस्टर्स बना सकते हो। इसके बाद गाइज आपको ऊपर की और 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग फ़ीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर गाइज इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो सपोर्ट्स टीम्स टर्म ऑफ सर्विस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, रेटर्स है, लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर जितने भी सारे के सारे जो ऑप्शंस रहते हैं वो यहाँ पर आपको होम पेज पर ही सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से गाइज आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में चला सकते हो, और फेस्टिवल पोस्टर्स आप अपनी फ़ोटोज़ और गाइज अपने नेम के साथ पोस्टर्स, वीडियो क्लिप्स और कोट्स यहाँ पर आप जो है क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।